पेशेंट हमारे पास करण सिंह हैं, जो कि नेपाल से हमारे पास आए हैं। इनको L4-5 S1 डिस्लिप है और सिम्टम्स में इनकी कमर के साथ पैरों में दर्द है और बहुत ज़्यादा नमनेस है। ऑलरेडी सभी डॉक्टर्स ने इनको सर्जरी के लिए बोला है और अभी हमने लगभग 8 से 10 दिन इनका ट्रीटमेंट किया है। जानते हैं क्या डिफरेंस इनको पहले से अब आया है। जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत थी, ज़रा बताओ। वैसा सर मतलब लगने में दिक्कत हो रही और पेशाब में दिक्कत, जैसे और जैसे फ्रेश होने में दिक्कत थी, तो कुछ तो फर्क पड़ा सर। सुन्नी वगैरह कितनी थी पहले? सुन्नी वगैरह बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। जैसे 5 मिनट चलाना चाहता था, 2 मिनट चलाना था, अब तो कम से कम आधा घंटे करीब चल जाता। अच्छा, पहले कितने मिनट पहले चल पा रहे थे आप जब हमारे पास आए? पहले सर बस ज़्यादा रहता है मुश्किल से 5 मिनट। 5 मिनट चल पा जी, अब जी अब जो है अब कम से कम आधा 2 घंटे, मतलब आधा घंटा 1 घंटे मतलब चल पाता हूँ, मतलब रेगुलर। पहले आप 5 मिनट चल पा रहे जी, और अब एक घंटे तो चल सकता। ठीक है जी। और बाकी दर्द में कितना बदलाव है? दर्द में सर थोड़ा है, फर्क है, पहले काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है मतलब। अच्छा बताओ, कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? मैंने दिखाया था सर, डॉक्टर को बहुत दिखाया मैंने, कभी कहें क्या रहेगी, मतलब सर्जरी के लिए बोला। अच्छा, तो अब जाके मैंने सर्जरी करा नहीं चाहे, क्योंकि कोई कह रहा है कि मतलब बिस्तर में हमेशा के लिए बिस्तर में लड़ना हो सकता, पढ़ना सकता है आपने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इससे नहीं करा मतलब दवाई से सही हो जाएगा, मतलब कोई ऐसे ट्रीटमेंट से ऐसे सही हो जाए तो मतलब अच्छी बात है, ये बोले कि मैंने नहीं करा ऐसा। ठीक है, अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा सही है सर, पहले से फर्क है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से। जब ये हमारे पास आए थे तो बहुत ज़्यादा नमनेस थी, सीवियर पेन था और इनको बैक साइड फील होना बंद हो गया था और पैर में भी काफ़ी सुन्नी थी इनको। ऑलरेडी सभी डॉक्टर्स ने इनको सर्जरी के लिए बोला था, अभी हमने इनका ट्रीटमेंट किया है और काफ़ी बेहतर है। कुछ टाइम और हम करने वाले हैं और ये बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अक्सर ऐसे केसेस डिसलिप वाले आपने देखा होगा, आपके पास भी ऐसे केसेस होंगे जिसमें छोटी मोटी डिसलिप होने से कोई भी डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोल देते हैं, तो सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आ सकते हैं या हमारे जैसे डॉक्टर्स अगर आपके पास हैं तो उनसे जाके आप मिल सकते हैं। सर्जरी से बेहतर ये है कि पहले आप आकर कंसल्ट करें और ये उम्मीद है 98% कि आप बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर नॉर्मली डिसलिप है तो पेन खाली कमर में रहेगा, कूले से होते हुए नीचे पैर में शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्क थोड़ी ज़्यादा स्लिप हो गई है और प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है तब क्या रहेगा, कमर के साथ पैरों में दर्द तो आएगा ही, साथ में सुन्नी भी फील होनी शुरू हो जाएगी। लॉन्ग टाइम के बाद पैर जो है पेशेंट का सूखना शुरू हो जाता है, फूड ड्रॉप हो जाता है, अक्सर डॉक्टर उनको कहेंगे कि आपका फूड ड्रॉप हो गया, पैर कमज़ोर हो जाएगा, यूरिन या स्टूल उनको फील होना बंद हो जाएगा। इनका केस उसी तरह है। करवट दीजिए आप। ऐसे केसेस में हम ड्राई कपिंग वगैरह करते हैं, फायर कपिंग करते हैं और भी कई टेक्निक यूज करते हैं, साथ में हम कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करते हैं जो हम आपको दिखाने वाले। थोड़ा आगे आइए, लूज ढीला छोड़ेंगे। किसी भी एक मेथड से रिकवरी नहीं होती है अगर कंप्रेशन ज़्यादा हो गया तो, इसके लिए काफ़ी टेक्निक यूज करनी पड़ती हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं और 1-2% टैबलेट्स भी इसमें चलती हैं। पकड़ेंगे, लूज। दर्द आपको यहीं पर रहता था ना? ठीक है, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, सीधे, ठीक है। अब अपना पैर उठा के देखो आप, देखो कोई परेशानी, खिंचाव आ रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा,
ठीक है, पहले से तो बेहतर है ना काफ़ी। ठीक है, ढीला पकड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओके, सीधे आप करवट लेके उठिए, थोड़ा चल के दिखाइए। चलो थोड़ा इधर उधर, कैसा लग रहा है? तबीयत तो अब काफ़ी बेहतर लग रही है ना? पहले से बेहतर है। बेहतर है। अच्छा ये बताओ, ऐसे जो लोग हैं आपसे मिले भी होंगे, आपको लोगों ने सर्जरी भी के लिए बताया भी होगा, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए जिनको सर्जरी? कह रहा हूँ सर, मतलब ऑपरेशन करवाने से, सर्जरी कराने से मतलब अच्छा ही है, मतलब आओ इधर ट्रीटमेंट करो। मतलब सर्जरी कराने से बचे तो ज़्यादा अच्छा है जी, है ना? तो मुझे भी बोला था कि भाई जिंदगी भर के लिए बिस्तर में भी हो सकते, मतलब ऐसी परेशानी अगर बिगड़ गई सर्जरी, तो ये बोला था तो इधर आओ मतलब करा लो। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इनको लोगों ने सलाह भी दी थी कि अगर आपने सर्जरी करा ली तो हो सकता है कि आप बिस्तर पर ही पड़े रहो। ऐसा अक्सर हम सुनते हैं और काफ़ी हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया है और अब हम बेड पर पड़े हैं, तब क्या हो सकता है? तो फिर कोई चांसेस नहीं होता है, इसलिए बेहतर है कि जो हमारे पास पहले ऑप्शन है सर्जरी से पहले, हम उनको अप्लाई करें। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, मान लो कि हमारा नहीं होता रिकवरी, वो लास्ट का ऑप्शन है, तब आप कराइए। बट सर्जरी कराने से पहले जितने भी ऑप्शन हैं पहले आप उनको ट्राई कीजिए। सर्जरी लास्ट ऑप्शन है और सर्जरी के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप बेड पर पड़े रहेंगे या आपको पेन रहेगा या आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, तब कोई भी डॉक्टर्स, चाहे वो सर्जन हो या अदर हो, कोई भी उसमें कुछ नहीं करेगी। सो हमारा यही सजेशन है कि अगर आपको सर्जरी के लिए बोला है तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो MRI है उसको हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम रिपोर्ट्स देखकर आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको गाइडेंस करते रहेंगे। और उम्मीद है कि बिना सर्जरी के आप भी ठीक हो जाएंगे। रेनू,